नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए मंदसौर जिले के सुवासरा से विधायक हरदीप सिंह डंग, जो अब मंत्री बन चुके हैं, उनका हाल ही का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। असल में जब से हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस से बगावत की है, तभी से सोशल मीडिया में कांग्रेसी उन्हें गद्दार कहते आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शनों में भी मंत्री हरदीप सिंह डंग को बिकाऊ और गद्दार कहा जाता रहा है। इसी पर पलटवार करते हुए हरदीप सिंह डंग ने शायद झुंझलाकर यह बात बोली होगी। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो 7 जुलाई का सुवासरा का बताया जा रहा है। सुवासरा के सभा चौक पर हरदीप सिंह डंग ने यह बात कही थी जब वे मंत्री पद की शपथ लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र लौटे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसे सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं को लाइनअप कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। हरदीप सिंह जी डंग मंत्री पद पाने के बाद जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ तौर पर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में और उनके नेताओं को क्या शिक्षा दी जाती है। जिस कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत कर सब कुछ तन मन धन लगाया, जिला पंचायत सदस्य लेकर 2 बार विधायक चुन के भेजा, उस कार्यकर्ताओं को इस भाषा शैली से संबोधित करना उनके पतन का ये एक प्रतिबिंब है। मैं कहना चाहता हूँ ये वो कार्यकर्ता है जिसके कारण आज वो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। यही वो कार्यकर्ता है जिसने 2 बार लगातार विषम परिस्थितियों में हरदीप सिंह जी डंग को जिताया। कम से कम विचारधारा बदलने के बाद अपनी इस गिरावट को तो वो रोक पाते ऐसी उम्मीद थी। लेकिन मेरा कहना है कि जिस आदमी ने एक पैकेज के तहत, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि एक पैकेज के तहत मंत्री पद उनको मिला है, उस कार्यकर्ताओं का तो वो ध्यान रखते जिनने उनको यहाँ तक पहुँचाया। खैर, ये आगे समय बताएगा कि उनने गद्दारी की नहीं की। आने वाला भविष्य और आने वाला चुनाव ये तय कर देगा कि हरदीप सिंह जी डंग किस पैकेज के तहत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।